अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि इस चीज़ का फिजियोथेरेपी के साथ क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर छोटे जोड़ों का किसी को हो रहा है तो उन्होंने क्या करना है। दो किस्म की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन ये कि आपने अपने जॉइंट्स को थकाना नहीं है, क्योंकि अगर आपका जॉइंट थकेगा, एग्जॉस्ट होगा, फटीग में जाएगा, तो क्या होगा, आपके जॉइंट्स के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ सकती है, आपकी जो टाइटनेस है वो बढ़ सकती है, आपके मसल्स के अंदर जो डैमेज हुआ है वो फर्दर बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि आपने एक्सरसाइजेस को अगर आप पानी के अंदर करें, एज इन कि आप नीम गर्म पानी का एक टब ले लें और जो मैं आपको मूवमेंट्स बता रही हूँ वो आप उस पानी के टब के अंदर अपने हाथ को डिप करके करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब आप मेरे हाथ को देख सकते हैं। सो बेसिकली जो इसके लिए मेन मूवमेंट्स प्रैक्टिस करनी होती हैं वो ये मूवमेंट्स होती हैं। मीन्स के आपने अपनी चारों फिंगर्स को अपनी थंब के साथ इस मूवमेंट में लेकर आना होता है, ठीक है। तो पहले तो ये मूवमेंट खाली पानी के अंदर आपने करनी है, ठीक है। रेपिटेशन इसकी क्या होंगी, सुबह दोपहर शाम में आप 10-10 टाइम्स ये रिपीट करेंगे हर मूवमेंट को। देन जब ये चीज़ करने से आप नहीं थक रहे होंगे तो अब आपने अपनी दो फिंगर्स के बीच में एक बॉल जो है ऐड कर लेनी है। जो प्लास्टिक बॉल्स आती हैं जो कि स्क्वीज कर ली जाती हैं, बच्चों के खेलने वाली बेसिकली होती हैं, वो वाली आपने यूज़ करनी है। तो अगेन उसको इन दो फिंगर्स के बीच में रख के आपने प्रेस करने की कोशिश करनी है जितना किया जाता है, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, मीन्स के पूरे हाथ की मूवमेंट की तरफ। तो इसके लिए एक बॉल आती है जिसको हम फिजियो बॉल कहते हैं। अगेन वो स्क्वीज की जा सकती है और उसकी डिफरेंट रेसिस्टेंसेज आती हैं। तो आपने देख लेना है कि आपके हाथ की ग्रिप के अकॉर्डिंगली कौन सी वाली आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हमेशा हम कोई भी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं तो वो लीस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन से लेके मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन तक जाते हैं। तो पहले आपने वो बॉल ले लेनी है जो कि इतनी ज़्यादा आपके लिए स्क्वीज़ करना डिफ़िकल्ट ना हो बट स्टिल डिफ़िकल्ट हो। एंड देन आपने उसके साथ ये मूवमेंट करनी है, उसको स्क्वीज़ करना है एंड देन लेट गो करना है। और यही मूवमेंट आप पानी के अंदर कर सकते हैं। पानी का टेम्परेचर मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि नीम गर्म होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपके जॉइंट्स में लग सकता है, क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों ज़्यादा लग रहा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के जॉइंट्स के अंदर। अच्छा, ये हो गई आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। अच्छा, नाउ तीसरी चीज़, आपके सारे के सारे इन जॉइंट्स की मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हैंड्स की सारी मूवमेंट्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो परफॉर्म करनी है एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा। तो आपने अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, सारी की सारी जितनी फिंगर्स हैं उन सबको इन दिस मूवमेंट। इट्स वेरी ईजी टू डू एंड एनीबडी कैन डू इट बाई देमसेल्फ। एंड देन इसके बाद अपन जिस तरह ये ओपन और क्लोज मूवमेंट है ये, देन अपने रिस्ट के ऊपर आपने रिस्ट को यहाँ से पकड़ के आगे पीछे की मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन ये राइट एंड लेफ्ट साइड की मूवमेंट ये आपने परफॉर्म करनी है। अच्छा, वंस इन एक्टिविटीज़ से आप थक नहीं रहे हैं तो फर्दर आपने जाना है फर्दर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, जिसमें आप वेट उठा के एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, नाउ वेट लिफ्टिंग के लिए आपके पास डिफरेंट वेट्स आते हैं, 500 ग्राम्स का, 1 kg का, 1.5 ग्राम का। अगर आप ये ना ख़रीद सकते हो तो इसका एक घरेलू टोटका ये हो सकता है कि जो छोटी बॉटल्स आती हैं पानी की 500 ml की, दैट इज़ इक्वलेंट टू 500 आप कह लें कि 1/2 kg बन जाता है। देन 1 लीटर वाली जो कि वो 1 kg के इक्वलेंट कंसिडर की जाती है। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज के वेट्स नहीं पड़े हुए तो आपने ले लेने हैं बॉटल 500 ml वाली और उसके अंदर आपने पानी भर के उसको दोनों हाथों में लेके उससे मूवमेंट्स करनी है। यही जो सारी मूवमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, फ्रंट की, बैक की, साइड की, इस साइड की एंड देन सर्कुलर मूवमेंट। सो आई गेस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँगी फर्दर और डिटेल टॉक के बारे में ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस। Thank you.